तो फिक्स 4 बजे जो है ट्रेन ने अपना फर्स्ट डिपार्टिंग मिसल ले दिया है कराची कैंट रेलवे स्टेशन से निकलने के लिए। तो सर्दी की वजह से केक जो है ये अभी हमारा काफ़ी सख्त हो गया है। चलें नाश्ता करते हैं, फिर थोड़ी देर रह गई है बस ट्रेन चलने में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो जो है वो बेसिकली मेरे 33 अब पार्क बिजनेस एक्सप्रेस के ट्रेन जर्नी का पार्ट 2 है कि जिसका पार्ट 1 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, जिसका लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। लेकिन इस जर्नी का पार्ट 2 जो है वो मैं काफी दिन बाद अपलोड कर रहा हूँ और इसकी वजह ये है कि कुछ दिन पहले ही आप जानते हैं कि 37 अब फरीद एक्सप्रेस और 45 अब पाकिस्तान एक्सप्रेस चली थी, तो उन दोनों ट्रेन का जो था वो री इनॉग्रल रन की वीडियो पहले अपलोड करना लाजमी था, तो वो दोनों वीडियो मैंने हाथ के हाथ फौरन लगा दी थी। इसी वजह से पार्क बिजनेस एक्सप्रेस के पार्ट 2 में थोड़ा सा डिले आया है। तो चले अब पार्ट 2 को वहीं से शुरू करते हैं कि जहाँ पर हमने पार्ट 1 को खत्म किया था। तो रात में रोहड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन से चलने के बाद ZCU-30 को तो हमारी ट्रेन से निकाल दिया गया था और फिर पन्नाकिल कैंट रेलवे स्टेशन को स्किप करने के बाद मैंने पार्ट 1 को खत्म कर दिया था क्योंकि मैं सो गया था। और जब मेरी सुबह आंख खुली तो उस वक्त हमारी ट्रेन जो थी वो खानेवाल जंक्शन रेलवे स्टेशन पर रुकी हुई थी। तो सर्दियों में जो है वो स्पेशली रात के वक्त वीडियो बनाना काफी मुश्किल होता है और इसकी वजह ये होती है कि रात में सर्दी बढ़ जाती है और फिर जैसे ही कोई खिड़की या दरवाजा खुलता है तो वहाँ से बहुत तेज हवा आती है कि जिसकी वजह से आपको तो ठंड लगती ही है लेकिन जो आपके साथ मुसाफिर सफर कर रहे होते हैं वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं और फिर आपको घूरना भी शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए बेहतर यही है कि स्पेशली सिर्फ सर्दियों में जैसे ही रात हो बंदा वीडियो वगैरह छोड़कर चादर ओढ़कर सो जाए। तो चलो इस जर्नी के पार्ट 2 को शुरू करते हैं। तो खानेवाल जंक्शन जो है वो पार्क बिजनेस एक्सप्रेस का टेक्निकल स्टॉप है कि जिसमें क्रू वगैरह चेंज होता है। आप देख सकते हैं कि ट्रेन में पानी वगैरह भरा जा रहा है और ट्रेन की प्रॉपर चेकिंग होगी, उसके बाद ही ट्रेन को आगे रवाना किया जाएगा। एक GU-40 के साथ मालगाड़ी भी खड़ी हुई है 9038 के साथ। तो ये आप देख सकते हैं कि जो हमारी ट्रेन कराची से चली थी उस वक्त ट्रेन में ZCU-36324 लगा हुआ था और खानेवाल रेलवे स्टेशन पर HGM-28206 हमें देखने को मिला है। तो मालगाड़ी निकल रही है। और ये जरूर वाया फैसलाबाद जाएगी क्योंकि अगर इसे वाया साहिवाल जाना होता तो पहले हमारी ट्रेन को निकाला जाता और उसके बाद ये ट्रेन जाती। बाकी अभी पूछने पर पता लगा है कि ZCU-36324 में जो है ट्रबल आ गया था और कराची से ही ट्रबल हो रहा था, उसमें थोड़ा मसले मसाले चल रहे थे लोकोमोटिव के साथ जिस वजह से रोहड़ी जंक्शन पर जाकर जो है उसे निकाल कर HGM-30 को चार्ज दे दिया गया 33 अब पार्क बिजनेस एक्सप्रेस का। तो ये माहौल है कुछ इस वक्त खानेवाल रेलवे स्टेशन का और बिल्कुल सही कहा था मैंने। वो आगे आप देख सकते हैं ट्रेन के लिए जो है फैसलाबाद का सिग्नल डाउन है, लेफ्ट साइड वाला सिग्नल डाउन यानी कि फैसलाबाद के लिए सिग्नल डाउन है ट्रेन का। तो खानेवाल जंक्शन रेलवे स्टेशन जो है ये पाकिस्तान के एक अहम जंक्शन रेलवे स्टेशन है और अगर आप यहाँ पर खड़े हुए हैं तो आप 4 जगहों पर निकल सकते हैं यहाँ से कि जिसमें आप एक तो यहाँ से मुल्तान के लिए जा सकते हैं, एक यहाँ से झानिया के लिए जा सकते हैं, इसके अलावा यहाँ से आप फैसलाबाद के लिए भी जा सकते हैं और फिर यहाँ से आप साहिवाल के रूट से होते हुए लाहौर तक भी जा सकते हैं। तो ये 4 रूट्स यहाँ से अलग होते हैं जिस तरह से खानेवाल को जंक्शन कहा जाता है। तो नाश्ते की जो है वो काफ़ी वैरायटी मिल जाती है खानेवाल जंक्शन पर, लेकिन हम जो है वो सिंपल चाय और ये केक लेंगे। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी, एक चाय कर दें, एक चाय कर दें।
एक गाला और एक केक। तो ये नाश्ता हो गया हमारा आज का। तो सर्दी की वजह से केक जो है ये अभी हमारा काफी सख्त हो गया है। चलें नाश्ता करते हैं, फिर थोड़ी देर रह गई है बस ट्रेन चलने में, फिर बोर्ड होते हैं अपनी ट्रेन में। तो नाश्ता हमारा पूरा हुआ भी नहीं था और ट्रेन ने जो है वो डिपार्ट कर लिया है खानेवाल जंक्शन से, और अब अगला स्टॉप होने वाला है ट्रेन का वो होगा साहिवाल रेलवे स्टेशन। चाचा ने जो है बहुत ज्यादा गर्म चाय दी है, माशाल्लाह धुआं देख सकते हैं आप कैसा निकल रहा है ऊपर से। तो अगर ट्रेन को फैसलाबाद जाना होता तो ट्रेन यहाँ से डाइवर्ट हो जाती, लेकिन हमें साहिवाल के रास्ते से जाना है इसलिए हम सीधा स्ट्रेट निकलेंगे यहाँ से। तो ये देख सकते हैं आपके फ्यूचर के लिए, अगर फैसलाबाद वाली लाइन को डबल करना हुआ खानेवाल वजीराबाद वाली लाइन को यानी के, तो उसके लिए थोड़ी बहुत तैयारी शुरू हो गई है। बराबर में ट्रैक जो है वो एक बिछा दिया गया है, अगर कभी इस रेलवे को डबल किया गया तो यहीं से फिर आगे कनेक्टिविटी मेंटेन हो जाएगी, बस यहाँ पर आएगा। इसी तरह झानियागढ़ वाला जो रूट है वो भी इस तरह डबल किया गया है, और ये फैसलाबाद वाला रूट जो है वो अलग हो गया, यानी कि ये कहलाती है बेसिकली खानेवाल वजीराबाद ब्रांच लाइन। और फिर जिन ट्रेन को लाहौर जाना होता है वो सांगला हिल से जो है वो सांगला हिल शाहदरा ब्रांच लाइन पर चढ़ जाती है, और फिर आगे मेन लाइन वन पर जाकर मिल जाती है शाहदरा के बाद। तो वो सामने हमारे बिल्कुल नेशनल हाईवे चल रहा है जो कि शायद पतोकी तक हमारे साथ साथ रहेगा, कभी लेफ्ट पर कभी राइट पर, बस इतना फर्क आएगा। तो अभी हमारे राइट साइड पर रहिए। ट्रेन की फिलहाल जो है कुछ इतनी स्पीड है राजपूत नगर से निकलने के बाद, और खानेवाल के बाद से ट्रेन बढ़ी है इतनी स्पीड में जा रही है। तो कच्चा कहू रेलवे स्टेशन आया जिससे हम स्किप कर रही है ट्रेन, एक अबंडन रेलवे स्टेशन है जो कि तो काफ़ी करीब करीब स्टेशन इसलिए बनेगी हुए हैं क्योंकि पहले ये जो है पूरा सिंगल लाइन रूट था, लेकिन जब से ये ट्रैक पूरा डबल हुआ है उसके बाद से काफ़ी सारे स्टेशन ऐसे हैं जिन्हें बंद कर दिया गया है, कि जिसमें अगला स्टेशन जो है मौसम माल जो कि भी आएगा वो भी एक अमेजन रेलवे स्टेशन है जो कि मेरे नाम पर बना हुआ है, यानी कि मेरे नाम से मकसूब है या मेरा नाम उससे मकसूब है कुछ भी कह सकते हैं। सफाई जो है वो भी साफ साफ चल रही है, देख सकते हैं आपके तमाम केबल जो है वो साफ किए जा रहे हैं। और ये पाकिस्तान रेलवे ने प्राइवेटाइज कंपनी को ये ठेका दिया हुआ है कि वो तमाम बड़ी ट्रेन में साथ साथ छोटी ट्रेन जैसे खैबर मेल हो गई, अलामा इकबाल एक्सप्रेस हो गई, इन तमाम ट्रेन में अभी सफाई का ठेका ले लिया गया है, जिस वजह से ट्रेन आपको काफ़ी साफ सुथरी दिखाई देती है क्योंकि हर थोड़ी देर बाद जो है वो कचरा वगैरह साफ हो जाता है। सारे टीसी साहब भी आ गए हैं, अब इनकी टिकट चेक करवाते हैं। तो ये ट्रेन अब अप्रोच कर रही है मियां चुनू रेलवे स्टेशन पर,
देखते हुए पास कर रही है ट्रेन हड़प्पा रेलवे स्टेशन को, काफ़ी कदीम शहर है ये, खतरा भी मौजूद है यहाँ पर, तो कभी आए यहाँ पर तो विज़िट करेंगे इंशाल्लाह ज़रूर। स्टेशन भी छोटा सा है, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है। और अब अगला स्टेशन जो है हड़प्पा से वो है साहिबाग। तो दोस्तों अगर हम लोग 33 अब पाक बिजनेस एक्सप्रेस के रूट की बात करें तो ये ट्रेन जो है ये अपना पूरा सफर मेन लाइन 1 पर करती है और लोधरा से खानेवाल तक ये ट्रेन कॉर्ड लाइन पर चलती है, यानी कि झांझिया के रास्ते से आती है। और अगर साथ ही हम लोग इस ट्रेन के किराए की बात करें तो कराची से लेकर लाहौर तक इस ट्रेन का इकोनॉमिक क्लास का किराया है सीट के साथ 2850 रुपए और बर्थ के साथ है 2950 रुपए। बाकी इस ट्रेन में इकोनॉमिक क्लास के अलावा एसी स्टैंडर्ड और एसी बिजनेस क्लास के कोचेस भी लगाए जाते हैं जिनका किराया आप लोग इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो दोस्तों ये 9:15 ट्रेन जो है अप्रोच कर रही है साहिवाल रेलवे स्टेशन पर, जबकि 9:10 का जो टाइम है वो पाक बिजनेस एक्सप्रेस का लाहौर पहुंचने का है। तकरीबन 3.5 से 3 घंटे लेट हो चुकी है ट्रेन। और ये है साहिवाल रेलवे स्टेशन का वाई टर्न टेबल। राइट साइड पर आप देख सकते हैं, तो किसी ज़माने में यहाँ से ट्रेन जो है टर्मिनेट हुआ करती होंगी, कि जिस वजह से इंजन की डायरेक्शन चेंज करना ज़रूरी होता होगा, तो उस हिसाब से ये बनाया गया है यहाँ पर, ताकि इंजन जो है वो आसानी अपनी डायरेक्शन चेंज कर ले। तो ट्रैक पर काम चल रहा है जिस वजह से ट्रेन काफ़ी स्लो अप्रोच कर रही है साहिवाल रेलवे स्टेशन पर। तो ये HM-13 ट्रैक चेंज करके प्लेटफॉर्म लाइन पर लग रहा है, काफ़ी लंबा प्लेटफॉर्म है साहिवाल रेलवे स्टेशन का। प्लेटफॉर्म शुरू हो चुका है, ट्रेन जो है आगे से ट्रैक चेंज कर रही है, ऐसा सब यही देखने को मिलता है कि प्लेटफॉर्म के बाद ट्रेन ट्रैक चेंज करके लाइन पर लगे। बाकी हर स्टेशन में ये होता है कि ट्रैक चेंज पहले होता है और प्लेटफॉर्म बाद में आता है। उखाड़ा की तरह का स्टेशन है बिल्कुल, उखाड़ा का भी इसी तरह का बनाया गया है, यानी कि मेन स्टेशन बिल्डिंग जो है। मस्जिद भी मौजूद है स्टेशन पर ही, काफी खूबसूरत मस्जिद बनी हुई है और काफी लंबा प्लेटफॉर्म अब जाकर रुकी है ट्रेन। तो तकरीबन 9:30 ट्रेन 5 मिनट रुकने के बाद निकल रही है साहिवाल रेलवे स्टेशन से, और अब अगला स्टेशन आने वाला है यूसुफ वाला का।
1970 में बनाया गया है रेलवे स्टेशन। ये ट्रेन अप्रोच कर रही है यूसुफ वाला रेलवे स्टेशन पर, स्पीड कुछ इस तरह की है ट्रेन की। थर्ड टेबल भी मौजूद है यहाँ पर इंजन की डायरेक्शन चेंज करने के लिए। ये लोकोमोटिव शेड है सामने, बिल्कुल सुबाला का AG30 यहाँ पर पार्क है। AG30 खड़ा हुआ था लोगो शेड के अंदर जो हमें दिखा, बाकी तो बिल्कुल सन्नाटा है। ये स्पेशल ट्रैक्टर ट्रॉली जो कि सिर्फ रेलवे ट्रैक पर चल सकती है। और ये दो ट्रैक जो आप देख रहे हैं ये सीधा जा रहे हैं यूसुफ वाला कोल पावर प्लांट के अंदर, और कोयले से भरी हुई ट्रेनें जो हैं वो इन्हीं लाइनों से होती हुई इन्हीं लाइनों के ऊपर चलती हुई जाती है यूसुफ वाला कोल पावर प्लांट पर। तो कुछ देर में आने वाला है उबाड़ा रेलवे स्टेशन, और उससे पहले ट्रेन भी कुछ इस तरह की रफ्तार है। दोस्तों 10:30 बजे जो है हमारी ट्रेन एंटर हो चुकी है पतोकी शहर में, और पतोकी का रेलवे स्टेशन जो है बस आने वाला है। शहर के हालात इस तरह जो है, ट्रेन का स्टॉप नहीं है पतोकी रेलवे स्टेशन पर। वैसे तो ट्रेन को यहाँ पे थ्रू पास करना था, लेकिन लग रहा है कि ट्रेन के ब्रेक्स लगना शुरू हो गए हैं। तो जो ट्रेन यहाँ पे स्टॉप करती है उसको उस लाइन से भेजा जाता है, पीछे वाले प्लेटफॉर्म से लगाया जाता है जो ट्रेन अपने स्टॉप करती है। तो एक प्लेटफॉर्म जो है वो एक्सट्रीम लेफ्ट पर है, और टू के लिए जो है ये लाइन में जाकर वाइट ट्रेन जा रही है। वो प्लेटफॉर्म नंबर 1 है, और जितनी सवारी आपको दिख रही है वो है 9 अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस की।
के बाद हमसे अलग हो गया है और अब जो है ये पतोगी रावण रोड हमारे बराबर में चल रहा है इस वक्त। ये रोड जो आप देख रहे हैं ये मेन नेशनल हाईवे नहीं है, सिंपल लिंक रोड है। किसी भी वक्त हमारी मुलाकात हो सकती है, सेवन लिंक जंगल जो है वो शुरू हो चुका है हमारे राइट साइड पर, बिल्कुल हमारे सामने आ रही है। करंट टेबल जो है वो उखाड़ के फेंक दिया गया है साइड पर, मे बी चेंज हो यहाँ पर। काफी कम कोचेस लगे हुए हैं आज प्रेमनगर एयरपोर्ट पर और लोकोमोटिव भी कुछ नहीं दिख रहा। पीएलसी पास हो रही है ट्रेन लाहौर आने से पहले, काफी बड़ी एयरपोर्ट है ये, काफी सारे कंटेनर यहाँ पर मौजूद है लेकिन ट्रेन कोई नहीं लगी हुई आज। तो दोस्तों तकरीबन 3 घंटे लेट और पूरे 11 बजे ट्रेन हमारी पहुंच चुकी है रावण जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। ये रावण का बाजार आपको कसूर वाली ब्रांच लाइन दिखा देते हैं, तो वो राइट साइड पर जो आप सिग्नल देख रहे हैं और ये जो लाइन आ रही बिल्कुल मेरे सामने से, ये है रावण लोधरा ब्रांच लाइन जिस पर कसूर पाक पता आता है और फरीद एक्सप्रेस इस रूट पर चलती है और इसी लाइन के यहाँ से मिलने की वजह से और रावण जंक्शन से अलग होने की वजह से रावण को जंक्शन कहा जाता है। ट्रैक चेंजर की ट्रेन हमारी प्लेटफॉर्म बैग पर आ चुकी है। मुसाफिर खाना खाने वाला और ये न्यू स्टेशन बिल्डिंग रावण जंक्शन की गैप देखें कितना कम रखा गया है। सीएनआर को बिल्कुल प्लेटफॉर्म से लगकर चल रहा है। रावण जंक्शन रेलवे स्टेशन जो है ये 33 अब पार्क बिजनेस एक्सप्रेस का थर्ड लास्ट स्टॉप है। इसके बाद जो है वो सेकंड लास्ट स्टॉप आएगा जो कि है कोट लखपत रेलवे स्टेशन, जहां पर हमारे प्यारे दोस्त बिलाल भाई हमारे इंतजार में मौजूद हैं और उसके बाद फिर फाइनली हम पहुंच जाएंगे लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। हाँ हाँ
फर्स्ट डिपार्टिंग मिसल हो चुका है ट्रेन का, तकरीबन 5 मिनट रुकने के बाद ट्रेन डिपार्ट कर रही है। ट्रैक चेंजर के लूप लाइन से मेन लाइन पर आते हुए ट्रेन पूरे 11:35 पर ट्रेन हमारी जो है वो पहुंच रही है कोट लखपत रेलवे स्टेशन पर, जो कि आता तो लाहौर में ही है लेकिन लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर पहुंचने से पहले ये ट्रेन का सेकंड लास्ट पॉइंट है। प्लेटफॉर्म मेरी अपोजिट साइड है लेकिन बिलाल भाई जो है हमारे वो राइट साइड पर खड़े हुए हैं और लेफ्ट साइड पर जो है वो मुसाफिर हजरात काफी सारे हैं उतरने के लिए। ये सवारी जो दिख रही है आपको ये है टैंक डाउन अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस की। तो सिर्फ 2 मिनट रुकने के बाद ट्रेन डिपार्ट कर रही है। बहुत मुख्तसर से मुलाकात रही लाल भाई के साथ। इलाका शुरू हो चुका है, वॉल्टन स्टेशन अभी अभी स्किप किया है ट्रेन ने। घरों के ऊपर से इतनी हाई एक्सटेंशन वायर जा रही है, काफी खतरनाक है ये। और ये आ चुका है लाहौर कैंट रेलवे स्टेशन, जिसको ट्रेन इस वक्त स्किप कर रही है। काफ़ी सारे पुराने कोचेज भी यहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ के सिकलाइंस पर पैसेंजर कोचेज भी मौजूद हैं। सारे खत्म कोचेज हैं।
ये लाहौर की वॉशिंग लाइन जो है वो आने शुरू हो चुकी है। काफी सारे कोचेज देखने को मिलेंगे आपको यहाँ पे। वहां पर भी आप देख सकते हैं कि कोचेस की पूरी भरमार है। यहाँ पर भी कितने सारे कोचेस खड़े हुए हैं, साथ ही जेड सी यू 20 और 30 भी यहाँ पे मौजूद है। काफी सारे जेड सी यू शेड है ये। एक जेड सी यू 6317 और उसके पीछे खड़ा हुआ है 6315। ये GU40 कराकरम के साथ आया है और ट्रेन को छोड़कर शहर जा रहा है रेस्ट करने के लिए। 9013 41 भी तकरीबन 15-20 मिनट पहले ही पहुंची है कि आप देख सकते हैं लोकोमोटिव अभी निकल के जा रहा है शहर की तरफ। और अब इंतजार करते हैं ऑरेंज लाइन ट्रेन के आने का, ताकि ये ट्रेन वो ट्रेन एक्चुअल हमें देखने को मिले यहाँ पर। ऑरेंज लाइन ट्रेन नहीं आई, प्लेटफॉर्म नंबर 2 की तरफ बढ़ रही है हमारी ट्रेन, यानी कि मेन प्लेटफॉर्म पर ही लगेगी आज। किसी ट्रेन का रेक लगा हुआ है यहाँ पर, लाहौर कराची लाहौर लिखा हुआ है। तो ना तो लोकोमोटिव है और ना ही कहीं पर ट्रेन का नाम लिखा हुआ है, क्योंकि मेन प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर खड़ा हुआ है। तो बाहर एक प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर लग रही है हमारी ट्रेन आज की, और 3 अब पार करी एक्सप्रेस। बारह बजे पहुंचे हम लाहौर। पूरे 12 बजे हम लाहौर रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुके हैं। तो दोस्तों, ये था मेरा सफर कराची से लेकर लाहौर तक का, और ये सफर मैंने कराची से शाम 4 बजे शुरू किया था, जो कि पूरे 20 घंटे बाद लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर आकर खत्म हो चुका है। और ये रही हमारी ट्रेन आज की, कि जिसमें इत्तेफाक से आज 2 लोकोमोटिव लग गए, कि जिसने कराची से लेकर रोड़ी तक ट्रेन को लीड किया ZCU 36324 ने, और फिर रोड़ी के बाद लाहौर तक ट्रेन को लीड किया कराची शेड के GMU 38206 ने। तो एक ही जर्नी में 2 लोकोमोटिव के मजे भी हो गए, और इसके अलावा ट्रेन जो है वो भी हमारी तकरीबन जो है 3 घंटे तक लेट हो गई। 9:10 का ट्रेन का राइट टाइम था, लेकिन ट्रेन 12 बजे पहुंची, यानी कि आप कहने के 2:40 लेट हो चुकी है ट्रेन हमारी। काफी अच्छा सफर रहा ये, मैं अपने कोच के बाहर ही बैठा हुआ हूँ। यही मेरा कोच था X-1 का, जो कि CFI कोच था। लोकोमोटिव ट्रेन से रिटायर हो चुका है। चले अब इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, शायद दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी कोई ट्रेन आई है, क्योंकि ऊपर से काफी सारे लोग आ रहे हैं। तो ये था मेरा सफर, इंशाल्लाह जल्दी बात होगी आपसे आने वाले नेक्स्ट वीडियोज में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।